हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 आज की क्लास का। ओके, एंड चल रही है ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और एनसीईआरटी कंबाइंडली हम सॉल्व कर रहे हैं दो बुक्स को यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नीट जेईई सभी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों क्लास नंबर 3 को प्रोसीड करेंगे और कल के डाउट्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला डाउट आपके सामने जो है वो है कि देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, हमें निकालना है साइन माइनस 11 पाई बाई 3 की वैल्यू। एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन है ये। ओके, साइन माइनस ऑफ 11 पाई बाई 3, तो मैंने कल बताया था, पहले सबसे पहले फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो क्या बन जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 11 पाई बाई 3। तो ये बन गया माइनस साइन 11 पाई बाई 3। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको कि 11 बाई 3 को आप सॉल्व कर लो। एक्चुअली ये है माइनस का साइन 11 बाई 3 एंड पाई। ओके, माइनस का साइन 11 बाई 3 एंड साथ में क्या है, ये पाई है। ओके, नो फाइन। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 11 बाई 3 को आपको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 11 बाई 3 को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ओके, 11 बाई 3 कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले 11 में आप 3 का डिवाइड कर दीजिए। 3 3 9, यहाँ पे कितना बच गया 2। सो किस क्या लिख सकते हो आप इसको, 3 प्लस 3 इज टू 2 बाई 3, मतलब आप इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन ऑफ, ओके देखिए 3 प्लस 2 बाई 3 और बाहर कितना है, पाई है ना। तो इसे का क्या करो आप, इसे माइनस है साइन है, पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 आप इसको लिखो माइनस ऑफ साइन 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। आपके पास क्या तरीका, क्वाड्रेंट बना लो। अब देखिए ये क्या होता है 2 पाई, ये क्या होता है 2 पाई यानी 360 डिग्री, और ये क्या होता है 3 पाई, कितना हो गया 3 पाई 180 डिग्री, है ना। तो 3 पाई प्लस मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, और ये वाली लाइन चेंज हो रही, मतलब नो चेंज। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे जब इसको, तो मतलब ये वाली लाइन चेंज हो रही तो नो चेंज। ओके, तो साइन थीटा किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। तो कुल मिला के आपके पास कितना बच गया 2 पाई बाई 3, बिकॉज साइन 3 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बट देखो क्वाड्रेंट थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, टेन थीटा का, तो ये तो नेगेटिव होता है ना, मतलब एक साइन आपके पास में और आएगा, ये माइनस और एक और माइनस, ये सॉर नो, बिकॉज साइन ये वाला जो आगे जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव छोड़ देगा। ओके ना, आपको पता है ना कि साइन पाई प्लस थीटा कल पढ़ाया था मैंने, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन थीटा। तो 2 पाई तो पूरा घूम लिए थे, फिर उसके बाद पाई बचा, पाई प्लस थीटा तो कितना हुआ, माइनस साइन थीटा हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कुल मिला करके माइनस माइनस प्लस हो गया, और बच गया कितना, साइन टू पाई बाई थ्री। अब आप बहुत क्लोजर आ चुके हैं, ये जो एंगल है इसको आप सॉल्व कर लो। तो 2 पाई बाई 3 को आप जो है डिग्री बदल लो, तो क्या करते हैं 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, 3 से कितने बार जाएगा ये 60 बार, और 62 जा कितना हो गया 120, मतलब ये है साइन 120, कितना है साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए कल मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन 120 को लिखा जा सकता है साइन 180 माइनस 60, बोलो यस की नो, 180 माइनस 60। अब ना हो साइन ये कितना है 180 है, और 180 माइनस 60, तो मतलब कि 180 में से आपको 60 माइनस करना है, 180 में से आपको क्या करना है 60 माइनस करना है। तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये वाली लाइन है 180 माइनस थीटा, याद आया, साइन 180 माइनस का कितना थीटा, मतलब ये वाली लाइन है, मतलब नो चेंज, और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन का ही घर आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही घर, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू बोलो कितनी, √3/2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, √3/2, चेक करिए इसका आंसर। तो गाइज ये था हमारा एंगल का सेक्शन, और हमने ये कंप्लीट कर लिया है जिसमें आपने सारे एंगल सीख लिए हैं। अब आती है सबसे खतरनाक एक्सरसाइज, आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मूले। क्या सीखने वाले हैं, फॉर्मूले। तो वैसे हमने छोटे कुछ फॉर्मूले पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे,
ओके हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, आपको बताया देता हूँ। तो आज की क्लास तो मैं बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस क्लास से टिपिकली बड़े क्वेश्चन और ख़तरनाक क्वेश्चन आज की क्लास से बनेंगे। तो अभी तक मैंने जो पढ़ा दिया आपको, एक बार उसमें नज़र मान लेते हैं कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये सब तो जानते ही हो। फिर उसके बाद मैंने आपको एंगल बताना सिखाया कि एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल की वैल्यू सिखा दी, ठीक ना। मैंने आपको एंगल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा दी। देन इसके बाद मैंने आपको एलिड एंगल के फॉर्मूले बताए। एलिड एंगल में क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सुनो, साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं, यदि आपने 10th क्लास में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, तो 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, ये पहली आइडेंटिटी थी। इससे आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करके आए हैं तो बनता होगा, मैं आगे की बात करूँगा। अगली आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी थी, ये तो आपसे सबसे बनती होगी, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसके अलावा कुछ और रेसिप्रोकल फॉर्मूले थे जो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, ये जानते होंगे आप लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं टाइप बताऊंगा आपको एडिशन एंगल फॉर्मूला, कौन सा, यस एडिशन एंगल फॉर्मूले। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे आपको मैंने कहा कि साइन 45 की वैल्यू फाइंड करो, साइन 45 की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको यहाँ पर एडिशन एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा। साइन 30 यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन अलग ही लगाना पड़ेगा, ओके। चलो एडिशन की बात भी की जाए तो आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप जो है 30 प्लस 15 लगा सकते हैं, क्योंकि 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45, बट फिलहाल आपको पता तो है नहीं कि 15 की वैल्यू क्या होती है, तो मोर बेटर आप क्या लगाएंगे, साइन ऑफ 60 माइनस 45। यहाँ पे अगर आप 15 कर देंगे, साइन 45 नहीं, मेरे को एक्चुअली यहाँ पर लिखना था साइन 15, अब आपको समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है। साइन 15 इक्वल टू 60 माइनस 45, इससे आप निकाल सकते हो, इससे आप क्या निकाल सकते हो, और ऊपर 30 प्लस 15 तो चलो 45 था, बट साइन 45 क्यों निकाल लें भाई, हमको तो वैल्यू पता है ना 1/√2, तो कौन निकालने जाएगा 15 को लेकर के, छोड़ो। तो ये ऐसे ही लिख दिया था मैंने, मेन कंसेप्ट आपका ये है, मेन कंसेप्ट आपका ये है। तो चलो मेन बात अपन को करनी क्या, आपको एडिशन एंगल फार्मूला पढ़ना है साइन ए प्लस बी, फिर सब्ट्रैक्शन एंगल फार्मूले भी मैं आपको पढ़ाऊंगा साइन ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ने घटाना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं 10 में ए प्लस बी और 10 में a माइनस बी, ओके, देन कॉस में a प्लस बी एंड देन कॉस में a माइनस बी, ओके, एंड देन कॉट में a प्लस बी एंड देन कॉट में a माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इन फॉर्मूलेस को, ये लिखें आपके सामने, मैंने जो एग्जाम्पलर दिया आप लोगों को ये दिया है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दोनों एंगल हैं, तो पहले साइन का एंगल ए के साथ कॉस का बी के साथ प्लस लगाओ, कॉस का एंगल ए के साथ साइन का बी के साथ, फिर इसके बाद साइन ए माइनस बी का ये होता है कॉस ए प्लस बी का ये होता है, कॉस ए माइनस बी का ये होता है, टेन ए प्लस बी का ये होता है, टेन ए माइनस बी का ये होता है। तो देर ना करिए, जल्दी से फॉर्मूले आप लोग जल्दी से लिख डालिए, और इनको आप लोग अपने जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर ये फॉर्मूले लगा करके लिखिए, क्योंकि मैथ्स हो फिजिक्स हो, है ना, यहाँ ये हर जगह फॉर्मूले आपको लगेंगे, मैथ्स आपका पीछा तो नहीं छोड़ने वाली, साथ ही फिजिक्स में भी ये फॉर्मूले आपको, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने सारे इतने बार लगने हैं, हर चैप्टर पढ़ोगे आपको फिजिक्स में फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। मतलब मैथ्स वाले तो छोड़ो, बायो वाले भी फॉर्मूले से बचने वाले नहीं है, तो इससे अच्छा यार याद कर लो एक बार जिंदगी में इनको, है ना, और हमेशा खुश रहो सुखी रहो। तो ये फॉर्मूले पहले आप लोग लिख लीजिए, साइन ए प्लस बी के साइन ए माइनस बी के कॉस ए प्लस बी के कॉस ए माइनस बी के, इनको सामने अपने दीवार पर लगा करके डेली देखिए। आगे कुछ फॉर्मूले देखते हैं बच्चों, ये हो गया, इसके बाद ये देखिए कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये कहलाते हैं एडिशन एंगल फॉर्मूले एंड सब्ट्रैक्शन एंगल फॉर्मूले, क्योंकि सब में देखो कुछ में ऐड हो रहा कुछ में सब्ट्रैक्ट हो रहा। अब आगे बात करते हैं, देखो मैं बता दूँ साइन टू ए क्या है, ये साइन टू ए, तो इनमें डरने की बात नहीं, अगर आपको एडिशन एंगल फॉर्मूले याद हैं तो मैं दिखा देता हूँ कैसे डेराइव होते हैं। आपको पता है कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो क्या सिखाया मैंने, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैं कहूँगा मुझे साइन टू ए चाहिए, तो साइन टू ए का मतलब है साइन ऑफ ए प्लस ए, ए प्लस ए मतलब ए की जगह तो ए खेलेगा, बी की जगह भी कौन खेलेगा, ए ही खेलेगा, तो जहाँ बी है वहाँ भी ए रख दो, तो ये हो गया साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। आप ध्यान से देखो ये जो चीज़ दो बार है ना, और जो चीज़ दो बार होगी तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, आंसर हो गया टू टाइम्स साइन ए इंटू कितना कॉस ए, तो बन गया फॉर्मूला साइन टू ए का। ओके तो साइन टू ए का फॉर्मूला बन गया टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना, टू साइन ए का, साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए इंटू कॉस ए। क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप डबल एंगल दे रहे हो तो अंदर ही सिंगल एंगल में टूट रहा है, डबल एंगल दे रहे हो किस में टूट रहा है, सिंगल एंगल में टूट रहा है ना। अब मैं कहूँ कि मुझे साइन ए को लिखना है, साइन ए को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा साइन टू और यहाँ पे एंगल मैं क्या बनाऊँगा ए बाई टू, तो साइन टू ए की जगह यहाँ पे एंगल क्या बनेगा ए बाई टू, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा टू साइन ए बाई टू कॉस का ए बाई टू, क्योंकि एंगल ये हो गया ना, साइन डबल एंगल जो था डबल एंगल में टू ए था, अब यहाँ टू तो है बट एंगल की जगह कौन बैठा है ए बाई टू, तो ये टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। और सिंपल समझना हो तो जब आप डबल देते हो तो आपको सिंगल मिलता है, तो जब आप सिंगल दोगे तो क्या मिलेगा आपको आधा, ये सो नो, तो सिंगल में आपको हाफ एंगल मिल गया, तो ये बन गया आपका टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। इसके बाद देखिए कॉस टू ए वैसे ही बनेगा जैसे अभी अपन ने बताया, क्या कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था उसमें आपको क्या करना है कॉस ए प्लस ए कर दो, क्या कर दो कॉस ए प्लस ए, तो कॉस ए प्लस बी क्या हुआ करता था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस ए यानी कॉस ए इंटू कॉस ए और माइनस का साइन ए इंटू कितना साइन ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखिए बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर आप कॉस स्क्वायर ए को टेंथ क्लास के फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए रख दो, तो ये क्या टूट जाएगा इसको वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और अगर साइन स्क्वायर ए को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दो तो ये बन जाएगा वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बनता है कॉस टू ए का वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे बनता है, तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए भी इसका फॉर्मूला बन जाता है, तो उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब आपने देख लिया है कॉस टू ए का फॉर्मूला, कॉस टू ए में वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए कैसे बनता है मैं बता देता हूँ, तो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी नोट करेंगे आप, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस को, कॉस को किस में ले जाता है टेन में, कॉस का है डबल एंगल और यहाँ टेन का क्या सिंगल एंगल है ना बेटा, कैसे बनता है ये देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो कॉस टू ए इक्वल टू अपने पास क्या था, अपने पास था कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था ना, और इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब इसके नीचे क्या था वन था, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों में साइन स्क्वायर ए को डिवाइड कर दिया, दोनों में किसको डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए को मत डिवाइड करो कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर ए को मैंने ऊपर भी डिवाइड कर दिया और कॉस स्क्वायर ए को नीचे भी डिवाइड कर दिया, फायदा क्या है कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, मतलब कुछ खास डिवाइड नहीं हुआ। अब क्या करो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो देखो ध्यान से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो कॉस स्क्वायर ए पहले किसके नीचे जाएगा कॉस स्क्वायर ए के नीचे, सो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये वन बन गया, ये कितना हो गया ये वन बन गया, तो ये बन गया वन माइनस, देखो क्या है साइन एस अपॉन कॉस है ना टेन स्क्वायर ए, और नीचे कितना बन गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये प्रूव हो गया हमारा जो हमको प्रूव करना था ना, ये देखो वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, हाँ ये टेंथ के प्रूफ में था बट वहाँ क्वेश्चन में था, ये एक्सरसाइज में था ये, है ना, तो जो वहाँ एक्सरसाइज में था वो यहाँ पे काम में आ जाएगा। चलो अगला देखो टेन टू ए, तो अपन जानते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेन ए प्लस टेन बी
बिल्कुल सही, अपॉन 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू कितना बेटा 10 बी। तो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे अपन को चाहिए 10 टू ए, मतलब ए की जगह ए 10, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी कितना ए कर दो तो 10 टू ए बन जाएगा। तो देखा आंसर 10 ए प्लस 10 ए मतलब कितना हो गया 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 ए दैट इज इक्वल टू कितना 10 स्क्वायर ए। तो ये आ गया अपने पास में 2 10 ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, क्लियर है। इस तरीके से साइन 3 ए ये बनता है फॉर्मूला इसका, कैसे बनता है वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 3 ए मतलब साइन 2 ए प्लस ए को आपको खोलना पड़ेगा और फिर ये सॉल्व होगा। तो प्रूव आपको नहीं करना है, आपको बस फॉर्मूले याद कर लेने हैं ये आपको, क्योंकि है ना प्रूव आपके बुक में दिया हुआ है। एक एक क्वेश्चन को डोंट वरी आपसे प्रूव करवाएंगे, उसमें मेहनत लगेगी और आपको याद ही फाइनली आपको याद ही रखना है। चाहे आप प्रूफ कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रूफ करने से अच्छा है, बट आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप प्रूफ कर सको, समझ गए ना। एग्जाम में आपको इतना टाइम बच्चों नहीं मिलता कि वहाँ पर आप प्रूफ कर सको। आप कितने बड़े ज्ञाता हो विज्ञाता हो मगर एग्जाम में जाके आप कहोगे मैं फॉर्मूला प्रूफ करूँगा, भाई साहब भूल जाओ। वहाँ पर इतना प्रेशर रहता है कि आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पर फॉर्मूला निकाल नहीं सकते हो, आपको सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसलिए मोर बेटर कि हम इसको याद करें। जैसे आपने पहले भी याद किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 याद किया आपने, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा याद किया, हर बार प्रूफ करके तो निकाले नहीं हो। चलो अब आ चुका है भैया अगला फॉर्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी। क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस कॉस बी। ओके, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ऑफ बी माइनस ए बाई 2। ये दोनों इसमें साइन आता है याद रखिएगा, कॉस प्लस में दोनों कॉस आता है और कॉस साइन, कॉस माइनस में दोनों में क्या आता है साइन आता है। साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 कहाँ पर, हाँ यहाँ पे साइन ए माइनस बी बाई 2 सॉरी। ओके, अब इसके बाद देखिए आप इस फॉर्मूले को इधर से देखिए, इधर से मत देखिए, इधर से देखेंगे तो ये मैं बोलूँगा क्या प्रोडक्ट को सम में बदल रहा है। ध्यान से देखो ये क्या प्रोडक्ट है, क्या ये और यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें सम में आ रहा है, देखो सम में आ रहा ना। आप इसको ऐसे देखो इधर से, तो मैं थोड़ा लिखता हूँ तब आपको क्लियर होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बेटा इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर होता है 2 साइन कॉस बी, बिल्कुल सही 2 साइन ए कॉस बी। कैसे होता है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आप अपनी कॉपी में देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होती कि नहीं होती, और साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो भैया जब इनको ऐड करोगे आप, बीच में किसका निशान है ऐड का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल और केवल ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आएगा कितना 2 साइन ए कॉस बी, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। चलिए तो ये हो गया, इसी तरीके से 2 कॉस ए कॉस साइन बी, बात वही है ऊपर वाला ही है, कॉस को आगे साइन, 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, डोंट वरी 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर आप 2 कॉस ए कॉस बी की बात करते हो, या इधर से देखो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कितना 2 कॉस ए कॉस बी, प्रूफ करेंगे तो बन जाएगा कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। मतलब आप ये फॉर्मूला राइट टू लेफ्ट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट, बट याद रखो यूज़ होगा आपका कई बार, राइट टू लेफ्ट भी होगा यूज़ और लेफ्ट टू राइट भी होगा, तो प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत भयंकर वाला एक्सपर्टीज आ जाएगा और आप प्रैक्टिस कर लोगे। आ गया समझ में। चलिए अब बात करते हैं साइन ए बाई टू की। ओके, साइन ए बाई टू के ये तीन फॉर्मूले आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, कैसे आते हैं ये मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। एक साइन ए बाई टू का दिया है, एक कॉस ए बाई टू का दिया है, एक टेन ए बाई टू का दिया है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से बना ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कि आपने देखा अभी बच्चों, क्या देखा आपने, देखा कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और माइनस का क्या साइन स्क्वायर ए, यस और नो, कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये था। तो मैं यहाँ से कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए,
ये क्या बन गया, कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस माइनस और माइनस प्लस, बहुत सही। इसको यहाँ ले जाओ तो टू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टू साइन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए, ओके टू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए अपॉन में कितना टू, तो बेटा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट में वन माइनस कॉस टू ए बाई टू, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब साइन ए जो है वन माइनस कॉस टू ए बाई टू है, क्लियर हुआ, वन माइनस कॉस टू ए बाई टू, रूट के दो निशान होते हैं प्लस या माइनस, रूट के दो निशान होते हैं प्लस या माइनस। अब इसका आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिपेंड करता है ए के क्वाड्रेंट पर कि ए किस क्वाड्रेंट में है, ए किस क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट का ए होता है तो भी क्या होता है पॉजिटिव, क्लियर है। चलो अब छोड़ो इस चीज को, आगे देखते हैं। एक चीज देखो यहां से, साइन ए आपने क्या निकाला, आपने साइन ए निकाला है अंडर रूट वन माइनस कॉस टू ए बाई टू, बोलो हाँ पक्का, पक्का कि नहीं पक्का, पक्का। अब देखो बेटा जब आप एंगल ए दे रहे हो तो यहाँ पे कौन खेल रहा है, टू ए, मतलब टू ए पर आता है ए, टू ए पर आता है, तो अगर आप ए दोगे दो दो एंगल पे एक एंगल मिलता है, अगर आप इसको सिंगल एंगल दोगे तो क्या मिलेगा, हाफ एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है, देखिए साइन ए बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस कॉस ए अपॉन टू, बोलो हाँ लिखी हुई है, ये देखो वन माइनस कॉस ए अपॉन टू, और रूट है तो प्लस माइनस आएगा। अब प्लस आएगा माइनस आएगा ये बात स्वादानुसार, मतलब ए बाई टू के हिसाब से प्लस या माइनस तय होगा। अगर ए बाई टू, अगर ए बाई टू किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि साइन की बात चल रही है, देखो लिखा हुआ है, ये देखिए इफ ए बाई टू लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो अगर पहले दो क्वाड्रेंट में आंसर आएगा तो क्या लोगे प्लस प्लस, बोलो हाँ। अब बट यदि ए बाई टू आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आंसर क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है नेगेटिव, याद आया ए एस टी सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट में और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है बाकी में क्या होता है नेगेटिव, यस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ऐसे ही दूसरा फार्मूला कॉस ए बाई टू कैसे बन गया वही बता देता हूँ, फिर से वही फार्मूला चलो, कॉस टू थीटा इक्वल टू मैंने क्या सिखाया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और माइनस माइनस कितना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉस टू थीटा, बोलो हाँ तो टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इधर चला जाएगा बेटा वन प्लस कॉस टू थीटा, बोलो यस वन प्लस कॉस टू थीटा, क्लियर है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन में कितना, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू का अंडर रूट प्लस और माइनस, बोलिए हाँ। तो जब आप डबल एंगल दे रहे हैं कॉस टू थीटा का तो आपके पास क्या मिल रहा है बेटा थीटा, तो जब आप सिंगल एंगल देंगे बोलो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे सिंगल हाफ एंगल कॉस थीटा बाई टू और प्लस और माइनस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है आपका थीटा बाई टू फर्स्ट में है तो आंसर पॉजिटिव, सेकंड में है तो नेगेटिव, सेकंड में है तो थर्ड में है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सॉरी और फोर्थ में है तो पॉजिटिव, वही लिखा है ये देखिए पॉजिटिव आंसर इफ ए बाई टू लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है और दूसरे में और तीसरे में कॉस क्या होता है नेगेटिव, आया समझ में। चलिए अब देखते हैं टेन ए बाई टू कैसे आया, टेन ए बाई टू तो आपने क्या क्या निकाला,
आपने निकाला साइन ए बाई टू, निकाला कि नहीं निकाला? क्या निकाला साइन ए बाई टू? अंडर रूट वन माइनस कॉस ए, वेरी गुड। आपने निकाला कॉस ए बाई टू, क्या निकाला? वन प्लस कॉस ए बाई टू, दोनों को डिवाइड कर दो भाई, कर दिया डिवाइड। साइन अपॉन कॉस कितना होता है? ए बाई टू, बोलो हाँ। ये टू से टू क्या हो जाएगा? कैंसिल, ऊपर बचा वन माइनस कॉस ए और नीचे बचा वन प्लस कॉस ए। ये देखो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ए बाई टू है तो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ए बाई टू है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव, और अगर सेकंड और फोर्थ में है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये थे सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले पूरे आपको बनने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़बरदस्त अपना रूप पकड़ लेती है, पूरी धारा पकड़ लेती है, बहुत फ्लो में आ जाती है ज़बरदस्त तरीके से। आप दिख भी रहे हैं इतने सारे फॉर्मूले, जब फॉर्मूले इतने हैं तो क्वेश्चन कितने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ से एडवांस ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले इसके खतरनाक वाले, ठीक है ना, देखेंगे कि क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं। मगर एक दो फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी एक फॉर्मूला है। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसी को बोलते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कैसे आ गया? कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ या ना। माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ या ना। खोल लो, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस का वन और माइनस माइनस कितना? प्लस, तो ये से वन से वन क्या हो गया? कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए आगे और साइन स्क्वायर बी पीछे, क्लियर हो गया। इसलिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, डन। तो ये है हमारा फॉर्मूले वाला सेक्शन, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम कि इसके बेस क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जितना हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस पर अब हमारी प्रैक्टिस शुरू होने जा रही है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, ओके। ये सीबीएसई, अगर मतलब मैं जो आपको एग्जाम्पलर करा रहा हूँ ना, देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ आगे बढ़ाने के पहले, कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन तब आएगा जब टीचर आपका पेपर डिफिकल्ट बनाएगा। बस एक ही लाइन में कहूँगा कि जब पेपर आपका डिफिकल्ट आएगा तो मतलब पेपर एग्जाम्पलर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिया गया होगा, और अगर पेपर आपका इजी आया है तो एनसीईआरटी से पेपर लिया जाएगा। इसलिए अब जब आप एग्जाम्पलर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। तो एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, और मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है आपके जो टेंथ क्लास में क्वेश्चन था। ये टेंथ क्लास का जो क्वेश्चन जो बहुत परेशान करता था बच्चों को, ये वो वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। मालूम ये क्वेश्चन वहाँ पे उसका आंसर कितना आता था, इसको बांट दो तो ये वन अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसका आंसर टेंथ क्लास में आता था से के और प्लस का कितना? टेन ए, याद होगा आप लोगों को, ये से के प्लस टेन ए को आंसर आता था। तो चलिए अब आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, निकाल के बताइए। मेमोरी थोड़ा सा पक्की करिए अपनी कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये शुरुआत है, पहला क्वेश्चन अपन ने थोड़ा टेंथ और एलेवेंथ का मिक्स कंसेप्ट कर लिया है, धीरे धीरे हम कदम बढ़ाएंगे और ज़्यादा डिफिकल्टी की ओर। स्टार्ट करिए, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने जैसे कि ये किया है बच्चों, ये वाला पहला क्वेश्चन आपने देख लिया है, प्रूव दैट वाला, तो ये क्लास टेंथ का बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों से बड़े आराम से बन जाएगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख लीजिए, इसका सलूशन आपने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं करा रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ टू साइन अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू वाई, देन प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वाई। चलो भाई देखते हैं क्या करना है इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ। पहले मैं इसको ऑब्जेक्टिव लेवल में करा के लेके चल रहा हूँ, कि इसको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, अगर आपके जेई में आ गया, एनडीए में आ गया, सीयूईटी में आ गया और तमाम एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे करोगे? चलो पहले इस पर डिस्कशन कर लिया जाए।
चलिए, तो कैसा ये क्वेश्चन आएगा पता है आपको? ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आएगा। क्वेश्चन कहेगा कि इफ दिस इक्वल टू वाई, देन ये प्रूव नहीं बोलेगा, देन पूछेगा ये किसके इक्वल होगा, देन दिस इज इक्वल टू, ये छिपा लेगा। ऑप्शन दे देगा पहला वाई स्क्वायर, ऑप्शन दे देगा दूसरा वाई क्यूब, ऑप्शन दे देगा तीसरा वाई की पावर फोर, और ऑप्शन दे देगा चौथा जीरो फीरो कुछ भी दे देगा। ओके, आपसे पूछेगा बताओ, ओ सर राइट आंसर तो मैंने रखा ही नहीं भाई साहब, वाई तो रखना पड़ेगा तभी तो मैच करेगा, एक राइट आंसर भी तो होगा ना। चलो रख दिया, अब देखते हैं कैसे इसको अपन मैच करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, अब बेस्ट मेथड है कौन सी मेथड है बेस्ट? निगेटिव अप्रोच मेथड। शॉर्ट ट्रिक बनाओ, खुद से निगेटिव अप्रोच करो। आप क्या करो, अल्फा की कोई वैल्यू असाइन कर लो, जो मर्जी है अल्फा की वैल्यू। आपने कहा जीरो डिग्री, क्या ले लिया? जीरो डिग्री। अब देखो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जीरो डिग्री पे क्या दे रहा है, मतलब वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो जीरो डिग्री पे ये एक्सप्रेशन कितना आएगा, देखो बेटा टू साइन जीरो अपॉन वन प्लस कॉस जीरो और प्लस कितना साइन जीरो, बोलो हाँ, और ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो टू साइन जीरो टू इंटू जीरो जीरो हो गया, सारा का सारा मामला खत्म। नीचे कुछ भी बैठा हो जीरो के नीचे क्या टू इंटू जीरो जीरो हो गया, और ये कितना हो गया जीरो, बोलो हाँ, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई जीरो। अब देखते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, अब मैं आपको ये वाला एक्सप्रेशन बताता हूँ, वन माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना आएगा, क्योंकि इन लोगों ने बोला इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं। तो वन माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन वन प्लस साइन अल्फा, क्या ले ले भाई, वन माइनस कॉस अल्फा, वन माइनस कॉस जीरो कितना होता वन, और साइन जीरो कितना होता जीरो, अपॉन वन प्लस जीरो, लियो भाई साहब ऊपर वन में से वन गया कितना जीरो, और जीरो के नीचे कुछ भी आएगा कितना जीरो। मतलब अगर ये जीरो दे रहा है तो ये भी क्या दे रहा है जीरो, और ये वाई की वैल्यू क्या थी जीरो, यहाँ पे आंसर क्या आया जीरो। अरे तो ये वाला जीरो भी क्या होगा, वाई ही तो होगा ना, तो आंसर क्या होगा वाई होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी, ये क्या थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब आप कहोगे सर जीरो पे ही क्यों चेक करो, 90 पे लेके चेक करो ना, कुछ और लेके चेक करो। बेटा जो एंगल लेना हो तुमको लेके चेक कर लो, आंसर वही आएगा, आ जाओ चेक करते हैं 90 पे। चलो क्या था एक्सप्रेशन अपने पास, टू साइन अल्फा, चलो देख ही लेते हैं क्यों बार बार लिखें, अभी तो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अल्फा इक्वल टू 90 पर चेक कर लेता हूँ, ये लिखा अल्फा इक्वल टू 90 पर खेल रहे हैं अपन लोग। चलो चलो अल्फा इक्वल टू 90 पर, टू साइन 90, साइन 90 मतलब साइन 90 कितना होता वन, तो टू इंटू वन अपॉन वन प्लस कॉस जीरो कितना होता भाई साहब, कॉस 90, कॉस 90 होता जीरो, और साइन 90 कितना वन, मतलब ऊपर टू बन जाए टू और नीचे भी कितना टू, कैंसिल हो गया, बोलो कितना आया वन। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई वन, अभी देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। तो वन माइनस कॉस 90, वन माइनस कॉस 90 और प्लस साइन 90, प्लस साइन 90 और नीचे कितना है, नीचे है वन प्लस साइन 90। चलो भाई देखते हैं, तो वन माइनस जीरो प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, ऊपर कितना आया नीचे भी कितना आया, टू से टू कैंसिल कितने बार वन बार, अरे ये कितना आया था वाई वन था, और ये भी कितना आया वन, मतलब ये किसके इक्वल होगा वाई के इक्वल। चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच हुआ वाई। तो ये होती है नेगेटिव अप्रोच, आप किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री को खेल दो और उस एंगल पर वैल्यू निकाल लो, वो आंसर आ गया आपका। ये करने पड़ते हैं आपको, ये कॉम्पिटिटिव में ऐसे एग्ज़ाम निकाला जाता है। अगर ऐसे जाओगे तो 20 बच्चे आपके आगे, 20 क्या 200 बच्चे, 2000 बच्चे आपके आगे निकल चुके होंगे, समझ गया ना। तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बिल्कुल अलग बात है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम बिल्कुल अलग बात है, दोनों की दुनिया ही बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। चलिए खैर इस क्वेश्चन को करते हैं फिलहाल बच्चे लोगों, आइए देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, कह रहा है टू साइन अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा माइनस वन प्लस साइन अल्फा इक्वल टू वाई है, तो प्रूफ करो कि ये भी वाई है, प्रूफ करो ये भी वाई है। चलो भाई इसी को उठा लेते हैं, इसी को हम उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं इस फ्रैक्शन को। ये कह रहा वन माइनस कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा अपॉन वन प्लस साइन अल्फा, ठीक है, ठीक है ना, कह रहा प्रूफ करो कि ये वाई के इक्वल है। तो मैंने इसको उठा लिया, अब मुझे इसको किसके इक्वल बनाना है, इसके इक्वल, तभी तो वाई बनेगा। मुझे इसको किसके इक्वल बनाना है, इसके इक्वल। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, अरे भाई डिनोमिनेटर चमक रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मुझे लाओ डिनोमिनेटर में, तो एक ही रास्ता है इसी चीज़ का, नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी चीज़ का नीचे भी मल्टीप्लाई, वन प्लस कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, नीचे इसका मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी वन प्लस कॉस अल्फा
प्लस साइन अल्फा। तो ये देख लीजिए, ये चीज़ जो थी इसमें इसने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यस और नो कर दिया। अब ध्यान से देखो, कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है। कैसे देखो, कॉस अल्फा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो आप थोड़ी सी जुगाड़ जमाओ, इन दोनों को साथ में ले लो, ये बन गया वन प्लस साइन अल्फा, बोलो हाँ, और माइनस कॉस अल्फा, और ये तो ऑलरेडी है वन प्लस साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा। फ़ायदा क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, बन जाएगी। उसके बाद आपको सॉल्व करना हो, चलो जल्दी से पेन कॉपी निकालिए, सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ तक आने के बाद क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट तो रोकना है। क्यों रोकना है, क्योंकि ये आपके आंसर में आ रहा है वाई, इसमें ये देख लो है ना कि नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो रोकना, मगर इस वाले पार्ट को निपटाना है। तो क्या करोगे, ऊपर वाली पार्टी को सॉल्व करोगे, क्या करोगे ऊपर वाली पार्टी को, और पूरे फंक्शन को साइन की फॉर्म में लाओगे। किसकी फॉर्म में, साइन की, क्योंकि इसके पास भी क्या है, साइन है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को तोड़ दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्लस हो गया ये है ना। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। चलिए करिए सॉल्व, देखते जाइए। और फाइनली वन प्लस साइन अल्फा से वन प्लस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास वही बच जाएगा जो वाई है। डन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर के आया है। ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जो है जेई मेन्स के लेवल का है। ओके, ये क्वेश्चन जो है जेई मेन्स के लेवल का, जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपको ना दिखे, मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं वो अच्छे एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ एम साइन थीटा इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, देन प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा इक्वल टू एम प्लस एन एम माइनस एन। ओके, क्वेश्चन को जी भर के देख लिया हमने, हमने क्वेश्चन को जी भर के देख लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए ले जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन क्रॉप कर लिया, अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए जी, ये क्वेश्चन आपके सामने, आप क्या कह रहा क्वेश्चन आपसे, समझो जरा क्वेश्चन की भाषा को, समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। क्वेश्चन कह रहा है एम साइन थीटा इक्वल टू एन थीटा प्लस टू अल्फा, साइन थीटा प्लस टू अल्फा, तो प्रूफ करना है कि टेन, तो एक तरफ पूरी टेन की पार्टी है और एक तरफ पूरी एम और एन की पार्टी है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है चीख चीख करके एम और एन को एक साइड ले आओ, तो लियो भाई एम अपॉन एन, एम अपॉन एन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन साइन थीटा, यस। अब बच्चों मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं एलेवेंथ क्लास में, बिल्कुल फ्रेश बिगनर है, लर्नर हैं एकदम, उनकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ बता रहा हूँ। एक होता है बेटा रेशियो का रूल, जिसको बोलते हैं कंपोडेंडो डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, कंपोडेंडो डिविडेंडो। ये एक रूल होता है रेशियो का। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि अगर आपके पास में कोई रेशियो है ए प्लस बी इक्वल टू सी अपॉन डी, जैसे ये दिया समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये रूल कहता है कि जो डिनोमिनेटर है उसी को ऊपर जोड़ दो और नीचे उसी को माइनस कर दो, तो जो रेशियो बनेगा। अब आपको समझ में आएगा, ए प्लस बी, ऊपर बी को जोड़ा और इधर बी को क्या किया माइनस, और इधर भी सी को ऐड किया डी के साथ और इधर सी को ऐड किया, सबट्रैक्ट किया किससे, डी को। मतलब क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर जोड़ना है और एक बार उसी से माइनस करना ऊपर वाले से, और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये हुआ करता है। तो कंपोडेंडो डिविडेंडो कहता है कि अगर रेशियो में है तो ये रूल अप्लाई होगा। तो चलो यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर यदि ये रूल अप्लाई करोगे तो बेटा क्या बनने वाला है, बोलो एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन इक्वल टू साइन, ऊपर है थीटा प्लस टू अल्फा, बोलो क्या होगा, प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा, और माइनस का कितना साइन थीटा आएगा, बोलो क्लियर एकदम। चलो तो आगे देखते हैं, ये देखिए यूजिंग कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो हमारी कहानी यहाँ तक आ चुकी है, आ चुकी है। अब देखिए आज ही मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, आज मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, आपने कॉपी में देख लो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, नहीं लिख पाया कोई बात नहीं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, और नीचे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये देखिए साइन सी है और ये क्या है साइन डी है, तो इक्वल टू टू साइन
2 cos c plus d by 2, ओके sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2 sin c माइनस d by 2, तो sin c माइनस d by 2 ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ओके अब इसको लगाने के बाद देखिए ऊपर क्या हो गया, ऊपर बच गया थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, और नहीं क्योंकि देखिए थीटा से थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल कॉस अल्फा, नीचे बच गया थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा, और ये बन गया एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब देखो एक साइन है एक कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, और ऊपर है कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट, तो यही तो प्रूफ करना था ना, तो इसलिए इसका वैल्यू आ गया अपना एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब डोंट वरी, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, आप पेन कॉपी उठाओ और करना शुरू करो, देखो अपने आप ये सॉल्व होता जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, चलिए करिए जल्दी से। ओके गाइस, तो ये प्रैक्टिस मैंने आज की करवा दी है, अब इसके बाद आपको ये एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज करिए आप लोग, और बाकी के क्वेश्चंस करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अपना लेवल बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडीज।